हेलो गाइस, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर और आप लोगों के लिए मैं फिर से एक नया टेक्निकल डोज का दूसरा पार्ट लेके आया हूं, जो कि आपका है ग्रुप पॉलिसी। आपका जो कि है ग्रुप पॉलिसी, तो ग्रुप पॉलिसी का ये जो है पार्ट नंबर 2 है। तो जो हमारा बेस्ड है सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर 2012 और 2016 के ऊपर, क्योंकि दोनों ही सर्वरों पे एक्टिव डायरेक्टरी हम एक ही तरीके से लगा सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने इस पार्ट 2 के ऊपर, क्योंकि पार्ट 1 में हमने ग्रुप पॉलिसी की सारे टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो पहला वीडियो इसको समझने के लिए आप ज़रूर देखें, पहला दूसरा वीडियो। तो जितने भी हम लोग ग्रुप पॉलिसी लगाएंगे सभी के लिए ये मैंडेटरी होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, एजेंडा इज़ द हाउ टू ओपन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल एंड हाउ टू क्रिएट ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट और हाउ टू लिंक जीपीओ टू ओयू एंड डोमेन कंट्रोलर एंड हाउ टू कॉन्फिगर स्टार्टर जीपीओ और ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड सभी टास्कों को आज हम कहा जाए। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन विद द ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट इन सर्वर ऑप्शंस का बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं अपने मशीन पर चल के कि हमें ग्रुप पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने सर्वर मशीन को रेडी किया हुआ है, दिस इज़ माई सर्वर मशीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं इस पर लॉग इन करता हूँ, फिर हम इसके ऑप्शंस देखेंगे। इसके ऊपर मैंने जॉश डॉट इन के नाम से डोमेन बनाया हुआ है, और आप लोगों को थोड़ा सा अपना एक बेसिक दिखा देता हूँ इस मशीन का, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी सीरीज़ के ऊपर आप लोगों को मैंने काम करवाया है। एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप बनाए थे हमने, ओयू बनाए थे, ग्रुप के अंदर ओयू कैसे जॉइन होता है, डोमेन जॉइन और वो सब सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आप मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के सारे वीडियोज़ अगर आप लोगों ने इससे पहले के देखे हुए हैं, तो डेफिनेटली ग्रुप पॉलिसी समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर कोई मेरा ऐसा स्टूडेंट जिसको एक्टिव डायरेक्टरी का कोई नॉलेज नहीं है या पहले के वीडियो नहीं उसने देखे हुए हैं, डायरेक्ट आके ग्रुप पॉलिसी करने की कोशिश करेगा, तो वो इस चीज़ को पूरा क्लियर अप नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं। मैंने सर्वर मैनेजर खुला है, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं द नेम ऑफ माई सर्वर मशीन इज़ द EX-1 और माई डोमेन नेम इज़ द जॉश डॉट इन, ठीक है। एंड IP एड्रेस ऑफ माई मशीन इज़ द 192.168.0.1, ठीक है। ये मैंने सारा कॉन्फ़िगरेशन इस पर किया हुआ है। अब मैंने क्या है, ग्रुप पॉलिसी में जाना है। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड होने के बाद ही ग्रुप पॉलिसी यानी कि डोमेन पॉलिसी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सर्वर मैनेजर के अंदर टूल्स, और टूल्स में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक कंसोल एक ऑप्शन दिखाई देगा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। जैसे ही आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा। तो इस तरह से आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट वाले पेज तक जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जल्दी शॉर्टकट, तो आपके पास यहाँ एक शॉर्टकट है, द कमांड इज़ द GPMC.MSC। GPMC.MSC चलाएंगे तब भी आपके सामने वही पेज ओपन होगा, ठीक है। तो ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का पेज है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा फॉरेस्ट है जॉश डॉट इन, ठीक है। जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन आएगा मेरे पास। हम लोगों ने पढ़ा था कि हम ये जो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट है किस किस चीज़ पे डिप्लॉय या एनफोर्समेंट, जी ग्रुप पॉलिसी एनफोर्समेंट। तो ग्रुप पॉलिसी एनफोर्समेंट में जब हम गए थे तो हमने देखा था वहाँ में ऑप्शन दिखाई दे रहा था लोकल ग्रुप पॉलिसी, डोमेन, साइट एंड ओयू। इन चार चीज़ों पे आप ग्रुप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट जनरली आप कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे डोमेन्स में जाते हैं, तो मेरा वही डोमेन कंट्रोलर है जॉश डॉट इन,
और जॉश डॉट इन को जैसे ही मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ग्रुप पॉलिसी के हमारे दो ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी एंड डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी जो यहाँ से आप पॉलिसी यहाँ से जो आप लगाते हो इस पॉलिसी को, ये वो पॉलिसी है जो इस फॉरेस्ट के सभी डोमेन कंट्रोलर्स पे अप्लाई होगा। और डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी जैसे मान लीजिए इस डोमेन के अंदर मेरे कोई चाइल्ड वगैरह होते या मैंने ट्रस्ट वरस्ट बनाया होता दूसरे डोमेन कंट्रोलर्स के साथ, तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई देते और फिर मैं यहाँ से उन डोमेन कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक करके, जैसे मान लीजिए अगर डोमेन कंट्रोलर्स की बात करते हैं तो हमारा ADC हो गया, RODC हो गया, या फिर CDC टाइप के डोमेन कंट्रोलर हो गए, तो वो सारे डोमेन कंट्रोलर्स हमें यहाँ पे दिखाई देते और हम उस पे राइट क्लिक करके उनके लिए कोई भी पॉलिसी डिप्लॉय कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी और डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। ठीक है, द थर्ड वन और थर्ड ऑप्शन इज़ द मेरा जो है OU, क्या है OU का, तो मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। मैंने अपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर प्रोडक्शन नाम का एक OU बनाया हुआ है जिस पर मैं आपको सारे लैब परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने ये सब कैसे किया, इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमारे वही दोनों पॉलिसी, आप जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा है हमारे पास WMI फिल्टर्स, और इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है स्टार्टर GPU। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शंस को हम धीरे धीरे जो है यूज में लाएंगे और सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इस मेरे वीडियो सीरीज का केवल मेरा जो उद्देश्य या ऑब्जेक्ट है वो मेरा इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना था। और यहाँ पे साइट, तो साइट में फ़िलहाल तो यही डोमेन कंट्रोलर, अगर और कहीं साइट्स वगैरह पे लगाना होता तो यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट वगैरह ये सब सारे ऑप्शंस हमने यहाँ एक्सप्लोर करने थे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, इस पे तो हमने एक्टिव डायरेक्टरी के ग्रुप पॉलिसी के ऑब्जेक्ट्स वगैरह पे हमने डिस्कस किया, तो हम जाने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी का थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर देख के आते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी में जाने के लिए DSA.msc करता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी का थोड़ा सा आपको एक स्लाइट आइडिया दे देता हूँ कि मेरा जो डोमेन कंट्रोलर है josh.in, इसके ऊपर मैंने एक प्रोडक्शन नाम का OU बनाया और इस प्रोडक्शन OU के अंदर मैंने एक IT टीम नाम का ग्रुप बनाया हुआ है जो कि मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, और इसके मेरे तीन यूजर हैं राजेश, अंकित और अजीत। इन तीनों को इसके अंदर मैंने एज ए मेंबर ज्वाइन कराया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं अब ये पॉलिसी वगैरह जो है इन्हीं यूजर्स के ऊपर आपको तरह तरह के ग्रुप पॉलिसीज़ को मैं इन्हीं इसी OU पे लगा के आपको दिखाने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करते हैं नीड। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं डोमेन कंट्रोलर्स पे, तो ये खुद अकेला एक ही डोमेन कंट्रोलर है यहाँ पे। ठीक है, जो कि खुद ग्लोबल कैटलॉग है। इसका कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एज ए क्लाइंट मेरे पास दो कंप्यूटर्स मैंने जो इस डोमेन कंट्रोलर को ज्वाइन कराए हुए हैं, Windows 7 मशीन है एक, और एक मेरा Windows 10 मशीन है। अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं Windows 7 मैंने एक मशीन बनाया हुआ है और एक Windows 10, जो कि मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक स्लाइड आइडिया दे देता हूँ। देखिए, ये मेरा सर्वर मशीन है और ये Windows 7 का वर्चुअल मशीन और ये Windows 10 का मशीन है। तो ये मैंने पहले से ही डोमेन को ज्वाइन कराए हुए हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि डोमेन ज्वाइन वगैरह का जो प्रैक्टिकल्स है या जो लैब्स हैं आपको मैं पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम ग्रुप पॉलिसी पे, ऐसा तो है नहीं कि हम बिगिनर हैं और डायरेक्ट ग्रुप पॉलिसी करने लगेंगे, तो बिगिनर्स ओनली डूइंग द लोकल ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इससे हम, ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का थोड़ा सा स्लाइट आइडिया हो गया। इसके बाद हम अपने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे चलते हैं कि हम कोई नया GPO ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और उसको लिंक कैसे कराते हैं।
तो इसके लिए मैं दो तरीके यूज करके दिखाने वाला हूँ, जो एक तरीका माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है और दूसरा तरीका जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, दैट इज द शॉर्ट एंड सिंपल। तो ग्रुप पॉलिसी और जीपीओ यानी कि ग्रुप पॉलिसी को लगाने के लिए सबसे पहले डोमेन में एक आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे यहाँ जीपीओ पे आप आए, ठीक है, आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, एक ऑप्शन आएगा न्यू, न्यू के बाद बात आता है यहाँ पे जो, ठीक है, जो बात आता है, तो यहाँ पे आप उस पॉलिसी का नाम देंगे जो आप लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई पॉलिसी लगा रहा हूँ, उसका मुझे वही नाम देना चाहिए, ये किसके लिए लगा रहा हूँ वो पूरा नाम देना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल CMD, ठीक है, ब्लॉक फॉर सेल्स, अगर मैं इस तरह से कोई नाम देता हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये ग्रुप पॉलिसी मैंने CMD को ब्लॉक करने के लिए और किस ग्रुप या किस OU के लिए दिया है, यहाँ पर नाम डाल लोगे तो इस चीज़ से सारा मैटर क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा नाम हमें इस तरह से देने चाहिए, बल्कि हमें कुछ भी ऐसे ही नहीं दे देना चाहिए क्या जो मन किया हम लोगों ने उसको कोई भी नाम दे दिया। ठीक है, तो इस तरह का हमने मान लीजिए हमने ये पॉलिसी, एक तो ये तरीका होता है, और यहाँ पे स्टार्टर जीपीओ का ऑप्शन आ रहा है, तो स्टार्टर जीपीओ हम अभी थोड़ा सा लेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टर जीपीओ हम थोड़ा सा लेटर डिस्कस करेंगे, कोई नहीं, और यहाँ पे आपको ओके कर देना है, और आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में आपका ये जो पॉलिसी है बन गया है। अब इस पॉलिसी को मैंने इस प्रोडक्शन वाले OU से लिंक कराना है, तो आपने क्या करना चाहिए, इस पे हम लिंक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करते हैं, सॉरी हमने क्या है, फिर उसके बाद हमने क्लिक करना है अपने OU के ऊपर, ऑप्शन होगा लिंक एंड एग्जिस्टिंग जीपीओ, और यहाँ पर देखो डिफॉल्ट CMD ब्लॉक फॉर सेल्स। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉलिसी को मतलब इस जीपीओ को अपने OU के साथ क्या कर सकता हूँ, लिंक कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो राइट क्लिक किया मैंने लिंक इन एग्जिस्टिंग जीपीओ, ठीक है, और हाँ वही चीज़ रहेगा, और आप यहाँ पर इस पॉलिसी को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने से ही आप देखेंगे कि प्रोडक्शन वाले OU के अंदर ये पॉलिसी यहाँ पे आपका जो GPO आपने बनाया है वो यहाँ दिखने लगेगा। ठीक है, पहला तरीका तो ये होता है। ठीक है, अब मैंने इसको हटाना है तो राइट क्लिक एंड डिलीट करता हूँ, क्योंकि मैं दूसरा मेथड यूज करके दिखाने वाला हूँ इसी चीज़ के लिए। अगर आपको कोई GPO डिलीट करना है तो डिलीट दिस टाइप, इसको डिलीट किया, और दूसरा तरीका जो मैं यूज करता हूँ, मैं कभी भी ये जो GPO है यहाँ पर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पर क्रिएट ना करके आई डायरेक्टली राइट क्लिक ऑन द OU एंड क्रिएट ए GPO इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हियर, सीधा सीधा ऑप्शन आ रहा है, एंड आई गिव द नेम CMD ब्लॉक फॉर सेल्स, CMD ब्लॉक फॉर सेल्स, और फिर से आप ओके कर दीजिए। देखिए दोनों तरह से वही चीज हुई, मगर मुझे यहाँ पे लिंक विंक कराना नहीं पड़ा बार बार। अगर मान लीजिए कभी मैं लिंक कराना भूल जाऊंगा तो मेरा तो पॉलिसी ही काम नहीं करेगा, क्या है, पॉलिसी ही काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी अगर आपको कोई पॉलिसी लगाना होता है तो आप इस तरह से इस पॉलिसी को बनाना, लगाना नहीं, अभी हमने तो केवल इसको ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना सीखा है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं हमारे पास, कि जब कभी भी पॉलिसी लगता है तो हमें पता है कि पॉलिसी लगाने के बाद हमेशा सिस्टम को जो है हमें रीस्टार्ट या शटडाउन करना पड़ता है, उसके बाद ही पॉलिसी हमारा अप्लाई होता है लोकल के केस में। मगर अब यही चीज़ अगर मान लीजिए आप ये सोचिए कि कोई सर्वर चल रहा है
और एक दिन में अब इंजीनियर 3-4 बार पॉलिसी लगाएगा तो मान लीजिए 3-4 बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि दिन में 3-4 बार हमारे नेटवर्क में डिस्ट्रप्शन होगा, क्या है 3-4 बार डिस्ट्रप्शन होगा, तो जिससे हमारे क्लाइंट्स जो है थोड़ा सा हैम्पर हो सकते हैं। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक शॉर्ट चीज निकाली जो कि है हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जिसको चला के हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए पहले से मैं थोड़ा सा विजिबल कर लेता हूँ इसको। तो वो कमांड है, जब कभी भी आप कोई भी ग्रुप पॉलिसी लगाएं, चाहे लोकल लगाएं, डोमेन लगाएं, कैसा भी लगाएं, तो उसके बाद आपको एक कमांड CMD पे ज़रूर चलाना चाहिए, GP अप डेट स्पेस लेस FORCE। आप इस कमांड को हमेशा चलाएंगे और इससे आपका ग्रुप पॉलिसी जो है अपडेट हो जाएगा फोर्सफुली, बहुत ही कम टाइम में, वो भी बिना सिस्टम को रीस्टार्ट किए हुए। तो हमारा जो इस वीडियो का एजेंडा था वो कंप्लीट हो जाता है। इसी के बाद हम अपने ग्रुप पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। ये तो केवल इंट्रोडक्शन लेक्चर था ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे के लिए मैं अगला जो ग्रुप पॉलिसी लेके आता हूँ वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और मैंने अब एक नई चीज़ शुरू करी है आप लोगों के लिए, दैट इज़ द क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन टाइम, अब मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा करूंगा और आप उसका मुझे जवाब कमेंट्स में दिया करेंगे, ठीक है। और आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि ग्रुप पॉलिसी के इन्फोर्समेंट कितने टाइप से आप कर सकते हैं। आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगले वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा कर सकूं। थैंक्स एंड बाय बाय।